अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हुसाना बुच्चा। इस वक्त मुल्क में बहुत से लोग हवा के रुख के साथ सियासी किबला बदलने की तैयारियां कर रहे हैं। बात करेंगे इन्हीं तब्दीलियों की और तस्करा होगा आवामी मसाइल का। वेलकम टू लेकिन, आज हमारा फोकस रहेगा। आज मैं बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ मसूद शरीफ खटक की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, लेकिन साथ ही पीटीआई को अलविदा कहने वालों से पूछेंगे कि उनको कप्तान से क्या शिकायत है। नहीं चाहते हैं तो हमारे दोस्त जो अपने आप को क्लीन पॉलिटिकल कहते हैं, वो उनकी ख्वाहिश थी पहले कि वो किसी तरीके से नून लीग में चले जाएँ, लेकिन नून लीग में यह जलसा होने के बाद, इमरान खान के जलसा होने के बाद उनका ख्याल है कि हम चले जाएँ इमरान खान साहब का, तो हो सकता है वो ड्राई क्लीन होकर वहाँ चले जाएं। और रावलपिंडी में सियासतदानों के लिए लगा ड्राई क्लीन प्लांट। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एमएमए फिर से मुत्तहिद हो पाएगी या इस बार भी मौलाना की मौका परस्ती आड़े आएगी। जिक्र रहेगा इस सियासी गर्मा गर्मी में नजरअंदाज होने वाली अकलियतों का भी। एंड वेलकम टू द शो। ईद उल अज़हा खैरियत से साथ गुजर गए। इस मौके पर किसी ने बकरे कुर्बान किए और किसी ने गाय और ऊंट, लेकिन इस ईद के मौके पर सिंध में बेगुनाह अफराद का खून भी बहाया गया। ईद के रोज शिकारपुर के करीब 3 हिंदू डॉक्टर्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि हरिपुर में एक हकीम का क्लिनिक सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया गया कि इसके बारे में शक था कि उसका ताल्लुक एक अकलियती फिरके के साथ है। इसी तरह रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में भी अकलियती बरादरी के अरकान को इलाका ना छोड़ने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हिंदू हों या क्रिश्चियन, अहमदी हों या दीगर अकलियती ग्रुप्स, इनके साथ इम्तियाजी रवैया और ना ही हमारा कौमी मिजाज बनता जा रहा है। लगता यूं है कि अकलियतों की जगह कौमी परचम में तो है, लेकिन हमारे दिलों में नहीं। कुछ अरसा कबल अकलियती उमूर के वफाकी वजीर शाहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन इनकी जगह आज तक किसी वजीर का तकरर नहीं किया गया। बहुत मुमकिन है अकलियती अराकीन असेंबली ने जान के खौफ से ये वजारत कबूल करने से ही इनकार कर दिया हो। रही बात वजारत मजहबी उमूर की, तो इसका काम हज के मौके पर माल बनाने के सिवा कुछ भी नहीं रह गया। ऐसे में अगर अकलियतों का हाल खराब है तो इस पर हैरत कैसी। अगर हम बात करें इम्तियाजी रवैयों की, तो इम्तियाजी रवैयों का शिकार सिर्फ अकलियतें ही नहीं, सियासी मुखालफीन को भी बनाया जाता है। आज अदालत में पेशी पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कायद आफाक अहमद का कहना था कि जितने भी वकला ने उनका दिफा करने की कोशिश की, उन्हें कत्ल कर दिया गया। इनकी दरख्वास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने आफाक अहमद को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ें। उधर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय जेलों में मौजूद 250 पाकिस्तानी कैदियों का नोटिस ले लिया है, लेकिन नोटिस पीपल्स पार्टी ने भी ले लिया है। जुल्फिकार मिर्जा के बयानात का, जिन्होंने 5 नवंबर को लेकिन में बात करते हुए सिंध के वज़रा पर संगीन इल्जाम लगाए थे। मोस्ट करप्ट इज आगा फिराज दुरानी, जो 8 अरब की आसामी है, मेरे पास हिसाब है। नंबर 2 आपका होम मिनिस्टर वसान, जो 6 अरब रुपए की आसामी है, मेरे पास अकाउंट है, आई कैन गिव यू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप आए आपका पीर मजहर है, वो भी अरबों रुपए में है। आपका एजुकेशन मिनिस्टर और आपका फिशरीज मिनिस्टर जाहिद, मैं कितने नाम लूं? मैं 5 लोगों के नाम, मैं 75वीं आदमी हूँ, 5 मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, 75.5 करोड़ रुपया मैं इमाम हुसैन के नाम पर सदका करके मजलूम आवाम के लिए खर्च करूंगा और इन मनुष्यों को असेंबलियों में आइंदा नहीं आने दूंगा। कुछ सीरियस एलिगेशंस आपने मुलायजा की, आप बात करते हैं कुछ सीरियस क्राइम्स की जहां हिंदू डॉक्टर्स को टारगेट किया गया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें इस वक्त किशन चंद परवानी, माइनॉरिटी से ताल्लुक रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के। बहुत शुक्रिया परवानी साहब, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपनी तौर पर यह इन्वेस्टिगेट किया होगा, ये इंसिडेंट क्या है, सच कहानी 3 डॉक्टर्स को, क्या कोई जाती बुनियाद पर कोई जाती दुश्मनी थी या कोई लड़की, जिस तरह कहा जा रहा है कि एक लड़की भी इस सिनेरियो में थी, क्या है सच? पहले तो मेहरबानी आपकी, मुझे बुलाया यहाँ पे अकलियतों के मसाइल के लिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि बुनियाद वजह कुछ दिवाली के दिन 26 तारीख को एक वाक्या जो लोग कहते इल्ज़ाम लगा था कि ये हिंदू 2 लोग के साथ किसी भैया कौम की लड़की के साथ उनके कुछ अफेयर्स थे या कुछ समथिंग लाइक दैट एलिगेशन लगे। इमीडिएट हमारे हिंदू कम्युनिटी 2 लोग जिसके ऊपर इल्ज़ाम थे, इमीडिएट उन्होंने के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया और ये निगोशिएशन चल रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पे भी कि आपस में सच्चा जो भी गलत फहमियाँ दूर हो जाए, जो कल्प्रेट और लास्ट शुड टेक इज ओनली,
तो ये कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, ये प्रॉमिस भी हुआ था कि आपकी आफ्टर द ईद एक दिन के बाद हम फैसला करेंगे। दुख की बात यह है कि वो फैसला के पोजीशन नहीं आई ईद के दिन, और वहाँ पे क्योंकि पुलिस स्टेशन भी बहुत नज़दीक है, उसके सामने अटैक हुई और उनको मारा गया। देर वाज फोर पर्सन, एक डॉक्टर सत्यपाल ही वो क्रिटिकल इंजर्ड है, और तीन जो वहाँ पे, एक डॉक्टर अजीत कुमार, दो व्यापारी अशोक कुमार नरेश, वो डाइड ऑन द स्पॉट। प्रॉब्लम ये है कि मैं अफसोस होता है कि जब ये इन्होंने कोऑपरेट किया, जो उनके इल्जाम थे राइट आर रॉन्ग ये तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, हालात डिसाइड करेंगे। उन्होंने कोऑपरेशन किया, वहाँ के पुलिस हवाले कर दिया, उसके बाद कि ये इंसिडेंट हुआ कि उनको मारा गया बेगुनाह, जो लोगों का किसी कोई कंसर्न नहीं था, देर वाज सिटिंग ऑन देयर अपने जगह पे, तो ये हालत है वहाँ पे। क्योंकि दो लोग स्टिल जो वो अभी पुलिस के कस्टडी में है, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं हुई, उनके पास कुछ दाखिल नहीं हुई है, देव ऐसे इलीगल डिटेंशन में बैठे हैं कि पुलिस में, वो कोऑपरेट किए हमारे हिंदू कम्युनिटी की, मगर आप देखें उसके बाद ये बेगुनाह मारे गए। ये एक इंसिडेंट नहीं है, आप इससे पहले, मैं थोड़ी सा अगर टाइम हो आप जी, जी 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 बोलिए जी, तो पन्नू आकिल में दो डेढ़ महीना पहले भी इस तरीके से एक इल्जाम लगा था हमारे माइनॉरिटी के बंदे के ऊपर, तो इल्जाम लगा था, उसके बाद इमीडिएट लोग आए, उनके हिंदुओं के घर जलाए, उनके मकान जलाए, उनके करीबन यानी एक को गोली मारी, वो उसको टांग में लगी ही, वो बच गया, और दो ढाई करोड़ का नुकसान हुआ, घरों में गए, दुकान लूट लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हुआ और उनको छोड़ दिया जो भी लोग हैं, और वो हुआ कि वो बेकसूर जाहिर हुआ। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर तो एक तो नहीं है इंसिडेंट, बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये हालात ये है कि आप जैकबाबाद में मर्डर हुए थे, लोकल वहाँ पे हालात ये है कि हमें कोई सेफ्टी नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है। अभी लाकानूनियत की ये बात है कि दो बंदे स्टिल तक गवर्नमेंट वो है, अगर लॉ शुड टेक इट्स ओन लैंड, उसको इमीडिएट चालान करना चाहिए था, वो अरेस्ट कर लीगली दिखाया था, अभी अरेस्ट भी नहीं दिखाया, अभी तक वो लोग इलीगल डिटेंशन में वहाँ पे पुलिस में, एफआईआर कोई दाखिल नहीं हुई। हमारे लिए तो ये कानून है और उनके लिए है कि हम वो बंदे भी पेश किए, उसके बाद भी वो लोग मारे गए। परवानी साहब, ये बताइएगा कि कम से कम 3% हिंदू कम्युनिटी है सिंध में, आप क्या समझते हैं जो उनका एक लीगल और मॉरल राइट है जिंदा रहने का, और हमारा फर्ज है कि हम उनको सेफ गार्ड करें, हम उनको प्रोटेक्शन दें, क्या ये हुकूमत वो कर पाई है? नहीं, मैं ये अफसोस के साथ कहता हूँ, दिस इज माई फिफ्थ टर्म एज MNA, मैं चार मरतबा पहले डायरेक्ट लोगों को आया था। मुझे तो अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी, मैं वादे कहता हूँ बिल्कुल, फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने कहा था, कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी दिल से हमें कबूल नहीं करती, ना दिल से प्रोटेक्शन देती। बाहर तो ये सब ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जब इंसिडेंट होता है, मगर जहाँ जिसके अंदर जुल्म होता है किसी उसको इंसाफ नहीं मिला, कोई हमारे जो भी इन्वॉल्व करते हैं वो उसमें किसी को कहीं फांसी नहीं लगी, जेल में नहीं गए, फोर्सबिली उनको अगर एविडेंस आती है उनको लोगों कहते हैं अब एविडेंस न दे। अब हमारे लिए तो एक्चुअली जमीन तंग आ गई है, हम लोग तो इतने परेशान हैं कि अब क्या किसके पास गए, सब एक जैसे हैं। मुझे तो यहाँ के हुकूमत में किसी में भी इंसाफ की तकाजा नहीं रहती। कुछ हमारी कम्युनिटी, टू बी फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट पैदा हो, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे Our community was more safer than this government. परवानी साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि PML काफ से आपका ताल्लुक है और इस वक्त वो हुकूमत के साथ हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, आप नहीं उनसे ये डायरेक्टली बात कर सकते क्योंकि नोटिस उन्होंने लिया है, गिलानी साहब ने भी लिया है, रिपोर्ट भी तलब की है, इसको कंडेम भी किया है, इसके आगे हम बढ़ पाएंगे क्या? मैं एक तो क्लियर कर लूं, मैं काफ की टिकट में डेफिनेट हुआ, मैं अभी हम ख्याल ग्रुप जो बना था उसके साथ हूँ, अरबाब ग्रुप के साथ हूँ, हमारा इनके यही झगड़ा इनके साथ प्रिंसिपल यही था कि लोग जो कातिल लीक है, जो इसमें डिफरेंस के इल्जाम तराशी दे, उसके साथ कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है, और ये करप्शन हो रही है, 3 साल से करप्शन हो रही है, तो ये कंप्रोमाइज जो हमारे लीडरों ने किया, इट वाज नॉट मोरली, कोई कोऑपरेशन नहीं है, ये अपने किसी को बंदे को ये उसके कैसे से जान छुड़ाने के लिए कंप्रोमाइज किया, इट वाज नॉट, किसी को एजेंडा नहीं थी, वहाँ के भलाई के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया गवर्नमेंट के साथ, वो अपने मुफादात के लिए कंप्रोमाइज किया, इसकी वजह से वी आर नॉट विद द गवर्नमेंट। तो परवानी साहब, क्या होगा, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या निकाला जाए, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन हो रही है हिंदू कम्युनिटी का, आपने खुद कहा जमीन तंग कर रहे हैं, यहाँ पर हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसका हल क्या निकलेगा? हल देखना, एक हल ये है कि या तो ये गवर्नमेंट सिंसियर हो, हमें प्रोटेक्शन दे, वो अभी तक ये नाकाम रही है। हल ये है कि लोग अभी डिस्करेज होके यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम वी शुड माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि मैं टू बी फ्रेंक 70 जैसे पाकिस्तान बना, किसी ने भी इतना हमें अपना नहीं किया, हमें अलहदा रखा हर एक चीज़ में। आप देखें किसी भी बड़े अहदों पे हमारे कोई लोग नहीं है,
हमारे जो 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 सिस्टम में कई कमेटी बनती है असेंबली में, हमारे से कौन सा सीनियर हम लोग, किसी को हमें नहीं बिठाते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने किया कि भाई हमें बिठाओ, हमारे प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए वी शुड हैव अमेंडमेंट, उसको कुछ नहीं किया, नजरअंदाज करते रहे। कोई भी किसी के भी आप देखें किसी भी फोरम पे कोई माइनॉरिटी का बंदा नहीं है। यहाँ पे आप गुजरात का इंसिडेंट देखें, पंजाब में हुआ, हालांकि ये है कि वो लोग एविडेंस देखे वो पाकिस्तान छोड़ गए, वो देखान की एविडेंस। यहाँ पे जब बाद में हुआ है एक मर्डर हुआ था, उसको पकड़ा गया लोगों ने, एसपी ने पकड़ा, उसके बाद फोर्स भी नहीं हुई बात, उस लोगों को कहा कि आप एविडेंस न दें, उसको पहचाने नहीं। ये हालत अभी कौन कौन हमें कर सेफ्टी देगा? देयर इज नोबडी टू गिव अस सेफ्टी। मैं तो एक रिक्वेस्ट आपके थ्रू कहूंगा, आपकी मेहरबानी होगी चीफ जस्टिस, कहूंगा देयर शुड बी ज्यूडिशियल इंक्वायरी ऑफ दिस इंसिडेंट। ये जो यहाँ पे हुआ है हमारे शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे हुआ है यहाँ पे कि इसको एक ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बंदे स्टिल वो उनके इलीगली पुलिस के कस्टडी में है, वो बंद किया हुआ है, और उन्होंने ये इंसिडेंट के तीन बेगुनाह मारे गए, एक स्टिल ऑपरेशन आज बेचारे का ऑपरेशन हुआ, ये हमसे हालत हुआ है। हालांकि ये वहाँ पे फिडल मिनिस्टर को मालूम था, उसको मालूम था, दो मिनिस्टर है वहाँ पे प्रोविंशियल के उसके इलाके, सबको मालूम था, मगर दे कांट प्रोटेक्ट अस। ठीक है किशन चंद्रवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज। लेकिन मैं बहुत ही सैड नोट पर, उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो यहाँ से माइग्रेट करने का भी सोच रहे हैं। इसी पॉइंट पर हम बात करते हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं और पीटीआई में आ रहे हैं, हैवी वेट्स शामिल हो रहे हैं, और एक हैवी वेट आज हमें नजर आए, मसूद शरीफ फटक साहब। एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर इस रिपोर्ट में। साबिक डीजीआईबी मसूद शरीफ खटक ने अपने कैरियर का आगाज पाक फौज से किया, लेकिन फिर मेजर के ओहदे तक पहुंचकर तिब्बी वजूहात की बिना पर मुलाजमत छोड़ दी। मसूद शरीफ खटक सदर जदारी के दोस्त थे और इसी दोस्ती के सबब बेनजीर भुट्टो से रابطे बनाने में कामयाब हुए। फौजी मुलाजमत से फरागत के बाद 1993 और 96 के दौरान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया गया। जब 20 सितंबर 1996 में मुर्तजा भुट्टो को कराची में कत्ल किया गया तो मसूद शरीफ आईबी चीफ थे। बेनजीर की हुकूमत खत्म होने पर 1996 में सदर फारूक लगारी ने इन्हें करप्शन और आला अफसरान के फोन टैप करने के इल्जामात पर जेल भेज दिया। टेलीफोन टैपिंग किसी वजह से होती थी, वो भी की तो है ना आपने? वही है टेलीफोन टैपिंग। एक आपने जजों के भी टेलीफोन टैप किए? जजेस के टेलीफोन टैप हुए थे जुडिशियल क्राइसिस के दौरान, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे एडमिट किया था कि हाँ हमने किए। जर्नलों के भी आप टैप करते रहे? नहीं, सिर्फ जजेस के करते रहे। 2000 में रिहाई के बाद उन्होंने सियासत के मैदान में जोर आजमाई की कोशिश की, लेकिन 2002 के इलेक्शन में शिकस्त खा गए। जब बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ पर दस्तखत किए तो खटक साहब ने इसके खिलाफ एक खुला खत लिखा जो मीडिया में शाया हुआ। उनका ये इकदाम बेनजीर भुट्टो की नाराजगी का सबब बन गया और 2007 में उन्हें पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर इकतदार में आई तो मसूद शरीफ खटक ने सदर जरदारी से रابطे बढ़ाने की कोशिश की। आजिज़ जरदारी साहब मेरे दोस्त थे, हैं, रहेंगे। 3 साल हमने जेल इकट्ठी गुजारी है, उनको भी याद होगा, शायद सुन भी रहे हों। अब आपके और उनके ताल्लुकात ठीक हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी अरसे से मिला ही नहीं उनको। आपने रابطे की कोशिश की? नहीं, मैंने शुरू में की थी, जो नॉर्मल तरीके होते हैं उसके, जो जैसे हुआ नहीं हुई मुलाकात। उन्होंने भी कोई रابطा नहीं किया? नहीं, मुझे तो अफसोस ये है कि मेरे डिसमिसल का, जो नाजायज़ डिसमिसल मेरी हुई 97 में, उसके लिए मैंने 97 में एक प्रेसिडेंट को अपील की, 99 में प्रेसिडेंट को अपील की, और जब आसिफ साहब सदर बने तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं उनको जब अपील करूंगा तो उस बेसिस पे वो मुझे, मगर मेरा ख्याल है उनको शायद वो अपील पहुंची भी नहीं होगी। लेकिन नाकामी पर नवाज शरीफ की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रहमत सलाम खटक और फरीद तूफान इनके मद्दे मुकाबिल थे, जिसकी वजह से इनकी दाल यहाँ भी ना गली, और अब आखिरकार उन्होंने अपनी सियासी इनिंग इमरान की टीम में शामिल होकर शुरू कर दी है। फॉर्मर आईबी चीफ टर्न्स पॉलिटिशियन, और इस पर मजीद बात करेंगे, और बात ये भी करेंगे कि एमएमए रिवाइव हो सकती है या नहीं, और ये भी कि क्या मौलाना साहब खुद नून जाना चाहते हैं या नून लीग क्या उनसे रابطे बढ़ाना चाहती है। इस सब के साथ हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।